लेट मी स्टार्ट विद द क्लास रिवीजन। रिवीजन में हमारे टू चैप्टर्स जो आपके पोस्ट टर्म में आएंगे, ठीक है, आएंगे पोस्ट टर्म में आपके रिवीजन में। चैप्टर्स 8 है एक तो और चैप्टर 9। चैप्टर 8 आपका 9 आपका डेटा से रिलेटेड है, डेटा हैंडलिंग जो कि हमने पढ़े थे, ठीक है, और चैप्टर 8 आपका पैटर्न से है, ठीक है, जिसमें कि हमने पैटर्न्स को इन्वॉल्व किया है, पैटर्न्स, ठीक है, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और चैप्टर 9 डेटा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि डेटा एज यूजुअल हमने डेटा हैंडलिंग के बारे में काफी हद तक हमने उसके अंदर पढ़ा है कि डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम इस आज के रिवीजन क्लास में भी पढ़ेंगे, ओके। तो पैटर्न्स और डेटा के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे समझाऊंगी, यदि आपकी क्वेरी है तो आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको पूरे चैप्टर की रिवाइज करवाऊंगी, ओके। पैटर्न्स, पैटर्न्स में हमने जो पढ़ा था वो दो टाइप्स के पढ़े थे, एक तो शेप से रिलेटेड पढ़े थे हमने और एक न्यूमेरिक फॉर्म में पढ़े थे। आपको पता है कि रिवीजन में मतलब कि एग्जाम में किसी भी बेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या तो पैटर्न से रिलेटेड भी आ सकते हैं या फिर नंबर से रिलेटेड भी आ सकते हैं, ठीक है। एक देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि सपोज करिए बीच में एरो बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि 6, ठीक है, ये आपको नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, 9, ठीक है, फिर 4, 5, 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 to the 12, तो हमें यहाँ वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले हमें ये देखना है कि ये प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ठीक है। 6, 7, 8, 9 ये इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर है, फिर यहाँ पे 12, 14, 16 दे रखा है, हमें यहाँ का नंबर फाइंड आउट करना है। ये भी एक पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो 12 आ रहा है, 6 to the 12 हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 14, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 16, तो क्या हो रहा है, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18, ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 18, क्योंकि हम 18 से 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे जो कि हमने पढ़े हैं, सपोज करिए वन टू थ्री फोर बॉक्स है, तो 5, 8, 7, 6, ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे नीचे 4 बॉक्स है तो ऊपर 3 बॉक्स बन जाएंगे, 1, 2, 3। अब 3 बॉक्स के अंदर क्या है, यहाँ पे दे रखा है 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बॉक्स, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 1 बॉक्स, ठीक है। तो अब ये देखिए 5 to 8 और यहाँ पे क्या है 28, तो मतलब ये क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 8 और 5 को हम प्लस करते हैं तो क्या आ रहा है, 13। इसी तरीके से 7 और 8 और 7 को प्लस करेंगे तो 15, 7 प्लस 6 करेंगे तो 13, ठीक है। अब इसी तरीके से 13 प्लस 15 करेंगे तो 28, ठीक है, 15 प्लस 13 करेंगे तो 8 और 5, 13, ठीक है, 8 और 7, 15, फिर 6 और 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वापिस से 13 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको प्लस किया था 28, 15 और 13 को प्लस किया था 28, फिर 28 और 28 को प्लस कर देंगे वापिस से तो क्या आ जाएगा, 4, 2 और 2, 4 और 1, 5, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हो सकता है कि इसकी अभी एडिशन दे रखा है,
नेक्स्ट टाइम हो सकता है मल्टीप्लीकेशन भी हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन। जैसे सपोज करिए दे रखा है आपको थ्री कॉलम्स दे रखे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे 2 फिर 1, ओके। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या नंबर है, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2, ठीक है। तो 2 कैसे आया, ठीक है, मल्टीप्लाई से आया, प्लस से आया या माइनस से आया। हो सकता है कि आप सोचो कि 3 में से बन जाए तो भी 2 आ सकता है, ठीक है। लेकिन आगे भी उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो माइनस से नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 1 से किया 2, 2 अंदर 2, 2 को 6 से किया, 2 को 3 से किया 6। अब इसी तरीके से इन दो को कर देंगे 6 2 12। तो इस पैटर्न में मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे पैटर्न्स हैं, बेस क्वेश्चन है। अब एक जो मेथड दिया हुआ है, जैसे 1 × 1 = क्या आ जाएगा, 1 फिर 11 × 1, तो हम क्या करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 101 तो ये रिपीट हो गई होगा, फिर 2, ठीक है, और फिर एक लास्ट में 1 रिपीट हो जाएगा। इसी तरीके से 111 × 111, तो हम क्या करेंगे, 1 तो आएगा ही आएगा, ये 2 भी रिपीट हो जाएगा, 2 के बाद 3 और 1, ठीक है, क्योंकि कितनी बार 1 आ रहा है, 3 times 1 आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, 1, 2, 3, क्योंकि 1 दिया गया, 2 ये रिपीट हो जाएगा, 3 times 1 आ गया। अब इसी उसके बाद वापस ये 2 रिपीट होगा, फिर 1। इसी तरीके से 4 times 1, 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा, 1 रिपीट होगा, ये 2 रिपीट होगा, ये 3 भी रिपीट होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। 3 के बाद क्या रिपीट होगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 और फिर 1, ठीक है। इसी तरीके से 5 times 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 times 1, ठीक है, फिर 2, 3। तो ये सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे शेप्स। अब शेप्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो अभी हमने न्यूमेरिक फॉर्म में देखा, न्यूमेरिक फॉर्म में और भी कई पैटर्न्स आते हैं, वो भी हम देखते हैं, क्योंकि हर एक तरीके के पैटर्न्स हमें आने चाहिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन किस बिहार पर आ जाएगा हमें नहीं पता। सपोज करिए नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में एक नंबर दिया हुआ है, जैसे 5, 10, 15, 20, आगे हमें इसको सीरीज को कंप्लीट करनी है। तो आपको पता है कि ये इंक्रीजिंग फॉर्म में 5, 10, 15, मतलब हमेशा से क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, ये भी मान सकते हैं, या 5 की टेबल चल रही है, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 5 × 30, ठीक है। एक इसी तरीके से पैटर्न है 39, 34, फिर इसके बाद हम इसमें करेंगे 29, 24, ठीक है। तो आगे कौन सा चलेगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में ये इंक्रीजिंग में नहीं है, 39, 39 के बाद 34, 34 के बाद 29, 29 के बाद 24, मतलब ये कौन सी सीरीज चल रही है, डिक्रीजिंग फॉर्म में चल रही है। डिक्रीज क्या किया जा रहा है ये हमें चेक करना है कि डिक्रीज क्या किया जा रहा है, ठीक है। डिक्रीज में क्या हो रहा है, जैसे 39 में से 34 माइनस किए, 9 में से 4 माइनस किए गए तो क्या हुआ, 5, मतलब हमेशा इधर तो 5 माइनस हो रहा है, अब हमें इधर भी चेक करना है कितना माइनस हो रहा है। 34 में से 5 माइनस करेंगे तो दोबारा 29, 29 में से 5 माइनस करेंगे तो 24, 24 में से दोबारा 5 माइनस करेंगे तो 19, 19 में से 5 माइनस करेंगे तो 40। ये न्यूमेरिक केस हो गए,
अब इसी तरीके से हम शेप्स में करेंगे, शेप्स में आपको पता है किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। सपोज करिए कुछ दे रखा है आपको इस तरीके से ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, स्प्लिट ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल। तो अब हमें बताना है नेक्स्ट शेप क्या होगा। आपको देखना है यहाँ पे अपोजिट है, उल्टा ट्रायंगल है, फिर उसके बाद सीधा है, फिर उल्टा है, फिर सीधा है। तो नेक्स्ट क्या ट्रायंगल होगा? उल्टा ट्रायंगल, उसके बाद सीधा ट्रायंगल। इस तरीके से भी आ सकते हैं, ठीक है। एक दे रखा है आपको सर्किल, इस तरीके से हाफ सर्किल, फिर अब किस तरीके का शेप बन सकता है देखिए। एक बार लेफ्ट साइड बना, फिर राइट साइड, तो दोबारा से क्या बनेगा? लेफ्ट साइड, फिर इसके बाद क्या बनेगा सर इसमें शेप में? वापस से हाफ सर्किल, ठीक है। तो ये शेप्स के पार्ट है। इसी तरीके से एरोज में भी आ सकते हैं कि एक बार आपको एरो इस तरफ से फर्स्ट एरो, फिर सेकंड एरो, फिर थर्ड एरो, ठीक है। तो नेक्स्ट एरो क्या होगा, किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ और वापस से लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आपके शेप्स पे इस हिसाब से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्वेश्चंस पे आते हैं डेटा पे। किस पे आएंगे? डेटा हैंडलिंग। हमने डेटा हैंडलिंग करी है, उसके अंदर हमने ग्राफ्स भी पढ़े हैं, ठीक है, पिक्टोग्राफ भी पढ़े हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, टैली मार्क्स, ग्राफ, ठीक है, पिक्टोग्राफ। अब देखिए किस हिसाब से कैसे कैसे करते हैं क्वेश्चंस। टैली मार्क्स में आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक कितने मार्क्स को डिनोट करता है? 5। अगर सिंपल दे रखा है तो 1, ठीक है, 2 तो 2, 3, 4 तो 4, ठीक है, 3 तो 3, मतलब इस तरीके से टैली मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि किस हिसाब से दिए हुए होंगे। ये तो टैली मार्क्स हो गए। पिक्टोग्राफ में अलग अलग तरीके के शेप्स बने हुए होते हैं, उस शेप को हमें मेजर करना होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए हमें एक टैली मार्क्स हम आपको बनाने हैं कि नेहा एंड राजू हैव लर्न्ड अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा इन द मैथमेटिक्स क्लास, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लास की आपके पास डेटा कलेक्शन किया हुआ है, ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास। सो दे मेड अ टेबल एंड स्टार्टेड काउंटिंग द बीकर्स। उन्होंने बीकर्स को काउंट किया और उसके हिसाब से बनाया। तो आपको हो सकता है कि इस तरीके से टू टेबल्स दी भी होगी, ठीक है। ये आपको टू टेबल्स दी भी है, ठीक है। इसके अंदर बीकर्स नेम बीकर्स, ठीक है, उसके बाद नंबर्स ऑफ बीकर्स, ठीक है। तो बीकर्स में हो गए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, नेक्स्ट आपको दे रखी है जी बस और ये कार, ठीक है। चार व्हीकल्स आपको दिए हैं, मोटरसाइकिल के नंबर दे रखे हैं 14, जीप के दे रखे हैं 7, बस के दे रखे हैं 3 और कार के दे रखे हैं 11। अब आपको यदि कहा जाए कि आपको टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं, तो टैली मार्क्स ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, ठीक है। आपको पता है 5 किस तरीके से किया जाता है टैली मार्क्स, तो देखिए 14, 1, 2, 3, 4, ये 5, वापस 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 10, फिर 4, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से 7, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 7, 1, 2, 3 और कार में 11 में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
10 हो गए और एक ये 11। इस तरीके से हम टैली मार्क्स को ड्रॉ करेंगे। इज दैट क्लियर? यस। हाउ टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ। अभी तक हमने क्या ड्रॉ किया था? टैली मार्क्स। अब हम पिक्टोग्राफ को करेंगे। पिक्टोग्राफ में आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, या तो पिक्टोग्राफ की टेबल बनी हुई आएगी तो आपको उसको काउंट करके लिखना है, ठीक है, और यदि नहीं दिया हुआ है तो आपको खुद को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए एक फेस दिया हुआ है जो कि एक फेस इक्वल है 10 के, इसके इक्वल है 10 के, ठीक है, तो आपको पिक्टोग्राफ बना हुआ होगा, आपके पास आ सकता है इस तरीके से। ठीक है कि क्लासेस पर दी हुई है, सपोज करिए क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पांच क्लासेस आपको दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। अब इसमें पिक्टोग्राफ बना हुआ है, आपको तो काउंट करके इसके नंबर ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में ये इस तरीके से टू फेज बने हुए, और अगर 10 से कम होते हैं तो हमारे पास टैली मार्क्स बनेंगे, ठीक है। सेकंड में भी टू फेज और थ्री टैली, ओके, सिक्स सॉरी फोर फाइव और वन सिक्स। थर्ड में जो दिए हुए हैं थ्री फेज थ्री फेज, क्लास फोर्थ में भी थ्री फेज, थ्री फेज और थ्री टैली मार्क्स। इसके बाद फिफ्थ क्लास में वन फेज फाइव टैली मार्क्स, ये आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसके नंबर्स काउंट करने हैं, ठीक है। पिक्टोग्राम बताना है कि कैसे करना है, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वन फेस इक्वल्स टू 10, मतलब कि एक फेस जो है वो 10 को डिनोट करता है, तो बाकी के फेस कितने को डिनोट करेगा। हर एक का इंडिविजुअल बताना है कि क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे हैं, क्लास सेकंड में कितने हैं और थर्ड में कितने हैं, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करें। यहाँ पे वन फेस 10 को डिनोट कर रहा है, तो 10 प्लस 10 20, 20 में 2 प्लस 3 22, इसी तरीके से 10 प्लस 10 20 26, 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 3 33, उसके बाद 10 प्लस 5 15 और 70। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछेंगे तो हम उसको प्लस कर देंगे, 6 और 3 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18 का 8, कैरी ऑफ 1, 2 प्लस 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 1 12, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 128 हुए, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास कौन सी है, ठीक है, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास कौन सी है, मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसके बिहाफ पे पूछे जाते हैं। ये हमारा पिक्टोग्राफ हो गया। इसी तरीके के काफी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू एवरीवन, वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके, विथ न्यू